केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 2 फाइनल का पार्टनरशिप अभी तक हमने यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किए हैं। इवन आपको मैंने एक्स्ट्रा सम्स दिए थे, आपने वो भी सॉल्व किए हैं। कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 3, यस एंड जस्ट और पार्टनर्स यहाँ पे दिया है, रेशियो दिया हुआ नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिंग टू द एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल एंड 10% ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स। पहले लिख देते हैं कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल आपको देखे रखा हुआ है 50,000 40,000। इसका आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मीन्स 2500 और 2000। सेकेंड इफेक्ट अप्रोप डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यस जस्ट 2500 2000 4500। ड्राइंग्स में इंटरेस्ट निकालना 10% बट फॉर 6 मंथ्स। पहले लिख देता हूं यहां पे टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपको देखे रखा 8000 4000। उसमें निकालना है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर 6 महीने के लिए, तो 800 400 200। क्रेडिट साइड पर आपको 3 लाइन छोड़ देनी है दोनों तरफ, ड्रॉइंग्स यस जस्ट 400 200। आपको दोनों तरफ ऊपर 3 लाइन छोड़ के काम करना है, ये तो आपको अभी पता ही है। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक 15,000 अभी मार्केट वैल्यू 12,000 विच एवर इज लेस 15 या 12 12,000। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000। सेकेंड इफेक्ट असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 12,000। आउटस्टैंडिंग स्टेज ट्रेडिंग एक्सपेंस दिया 500। पहले लिख देते हैं स्टेज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पर टू स्टेशनरी, आपको दिया है 800 प्लस आउटस्टैंडिंग 500 1300। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करने वाली। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस 500, प्रीपेड वेजेस 400। वेजेस आपको देखे रखा हुआ है 2000। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड 4-5 लाइन छोड़ के फिर लिखना 2000 माइनस प्रीपेड, प्रीपेड मतलब मैंने पहले से पे कर दिया, माइनस 14,400 रिमेनिंग 1600 बाहर। प्रीपेड मेरा वन टाइम का एसेट्स है, पहले से पे कर दिया है, मुझे अब पे नहीं करना पड़ेगा। प्रीपेड वेजेस 400, रेंट रिसीव एडवांस रुपीज 200 एंड डिस्काउंट रिसीवेबल रुपीज 40। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे आपको रेंट रिसीव देखो दिया है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे देखे रखा है 600। डिस्काउंट रिसीव भी आपको दिया है 400। रेंट फ्री रिसीव एडवांस है मतलब माइनस प्री रिसीव 200, आउटर कॉलम 400। रिसीवेबल है मतलब मिलना बाकी तो प्लस 40, आउटर कॉलम 440। प्री रिसीव रेंट लायबिलिटीज मेरे लिए, प्री रिसीव रेंट 200 और रिसीवेबल मतलब एसेट्स मेरे लिए रिसीवेबल डिस्काउंट 40। फ्रॉम डेटर्स राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट्स प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। ओके पहले लिख देते हैं डेटर्स, डेटर्स की आपको अमाउंट यहां पर देखे रखी हुई है, कस्टमर्स के नाम से दिया हुआ है 29,000 माइनस बैड डेट्स न्यू 1000 28,000। बीडीआर आपको बोला गया 5% माइनस बीडीआर 1400
26,600 डिस्काउंट रिजर्व न्यू आपको कहा गया 2% दैट इज 532 आउट ऑफ कॉलम 26068। आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, वो ओनो का टेबल बैड डेब्ट्स ओल्ड प्लस बैड डेब्ट्स न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड। बैड डेब्ट्स ओल्ड आपको देखे रखा है 412 बैलेंस में, बैड डेब्ट्स न्यू आ गया 1000, बीडीआर न्यू 1400, बीडीआर ओल्ड आपको दिया है 2000। एक दो तीन प्लस ये इस चौथा वाला माइनस, रिमेनिंग अमाउंट 800 आउट ऑफ कॉलम में। नेक्स्ट सॉरी डिस्काउंट रिजर्व रहेगा, डिस्काउंट अलाउड आपको दिया है सम के अंदर, सम के अंदर आपको दिया हुआ डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड के अंदर 1400 आपको डिस्काउंट रिजर्व न्यू 532 प्लस कर देना है, will get 1932। The next adjustments, provide 10% depreciation on motor car, पहले लिखते हैं motor car minus depreciation, motor car आपको देखे रखा हुआ है 52,000, 10% 5200, remaining amount 46,800, डेप्रिसिएशन एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन मोटर कार 5200। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ 2000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ 18%। गुड्स मेरे यहाँ पे जल गए 2000 रुपए के, कंपनी ने बोला आपको 18% मिल जाएगा, मैं 20% इसका मैंने यहाँ पे लॉस किया, तो पहले लिखते हैं परचेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड को एक लाइन छोड़ने के बाद, परचेस आपको दिया 1,30,800 माइनस गुड्स लॉस्ट बाय फायर 2000, इनर कॉलम 1,28,800, यहाँ पे ज्यादा स्पेस छोड़ देना परचेस के नीचे, ओके तो आप सब एडजस्टमेंट यहाँ पे प्रॉपर्ली कर पाओगे। 2000 के बिना पे गुड्स चल गए, परचेस माइनस किया, कंपनी के पास से पैसा मिला बाकी इंश्योरेंस क्लेम 80% पैसा मिला बाकी, मुझे यहां पर लॉस हुआ 20% इसका, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लॉस बाय फायर 400, डेबिट में माइनस किया, क्रेडिट हो गया 2000, डेबिट 400, डेबिट 1600, 2000 डेबिट हो गए। उसके बाद आपको दिया है 10% कमीशन पेबल टू जस्ट फ्रॉम प्रॉफिट, ये बता दो कैसे करना है, आप जब पूरे अकाउंट में साफ ट्रांसफर आप कर दोगे सारे अकाउंट ट्रांसफर कर देने के बाद, इसको आप क्लोज करोगे विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर, ग्रॉस लॉस यहाँ पे ट्रांसफर, इसको आप क्लोज करोगे विल गेट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट यहाँ पे नेट लॉस यहाँ पे, नेट प्रॉफिट आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया, नेट लॉस आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया, इसको आपने क्लोज किया टोटल किया, सपोज इसका आया 5000, सपोज इसका आया 5000, ओके सपोज इसका आया 15000, 15000 में से आपने ये माइनस किया तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा 11000, 10500 रिमेनिंग कितना बचा 15000 से भी आपने देखा, ये माइनस से कितना बचा 10500, जस्ट को कमीशन देना है मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110 डिवाइड बाय 110 बोला कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसका आपका जो भी अमाउंट यहाँ पे आता होगा, इसका आपका जो भी अमाउंट आता होगा वो आपको लिखते ना यहाँ पे, तो जस्ट कमीशन ये जो अमाउंट है वो आपने यहाँ पे लिख दिया, उसकी दूसरी एंट्री आपने यहाँ पे पास कर दी बाय कमीशन, जस्ट में अमाउंट लिख दिया कमीशन खत्म। अब सपोज एटली की उसे कमीशन यहाँ पे अमाउंट आती है 900, सपोज एटली 900 आती है ठीक है मैंने भाई, और 15,000 टोटल इसमें से आपने ये माइनस किया, फिर ये माइनस करो जो रिमेनिंग बचेगा टू पार्टनर्स कैपिटल यस जस्ट इक्वली बांट देना, दूसरी अमाउंट यहां पे ट्रांसफर कर देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन
डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों में लिख देना, फिर क्लोज करना आपको अर्ली आता है। वॉट एवर बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट या फिर जो बचेगी वो बन जाएगा कैपिटल यहां पे, एंड यू गॉट टू क्लोज द अकाउंट। ओके, होप सो एडजस्टमेंट्स मैंने बोर्ड पे सॉल्व करवा दिए। कंटिन्यूइंग फर्दर आपको वीडियोस में वापस दूसरा पूरा सम आपको विजुअल हो जाएगा, उसके बाद आराम से एंड तक देखिए। ओके, इवन एट द एंड मैंने वापस से सम्स के अंदर नंबर चेंज करवाए हैं आपके होमवर्क पर्पस के लिए। ओके, कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। इलस्ट्रेशन नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लिए हैं। इवन मैंने आपको फिगर्स भी चेंज करवा दिया था, और बेस्ड ऑन दैट आप सभी ने मैक्सिमम ने मुझे सॉल्व करके रीसेंड किया हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। कंटिन्यूइंग फर्दर विद इलस्ट्रेशन नंबर 3, ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म यस एंड जस्ट एज ऑन 31/3/17 इज एज फॉलोस। आपको ट्रायल बैलेंस देके रखा है पार्टनरशिप फर्म का, यस और जस्ट का। आपको सिंपल दिया है कैपिटल अकाउंट्स, तो हम कैपिटल अकाउंट्स ही ड्रॉ करेंगे। पहले चार इसमें एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन 5% ऑन कैपिटल एंड 10% ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स। कैपिटल पे करना है मुझे 5%, ड्राइंग्स पे करना है मुझे 10%, लेकिन ड्राइंग्स पे 6 महीने के लिए ही करना है, कैपिटल पे पूरे साल के लिए करना है। नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक इज ₹15,000 हैविंग मार्केट वैल्यू ₹12,000 विच एवर इज लेस, बुक वैल्यू 15,000, मार्केट वैल्यू आपको दिया हुआ है 12,000, तो आपको 12,000 लिखना है। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस ₹500, प्रीपेड वेजेस ₹400, रेंट received in advance ₹200, discount is receivable ₹40, from debtors write off ₹1,000 as bad debts, provide 5% bad debt reserve and 2% discount reserve on debtors, provide 10% depreciation on motor car, 8, goods worth ₹2,000 destroyed by fire, insurance company has accepted the claim of 80%, 10% commission is payable to just from profit after deduction of commission from the profit. ओके, ये आफ्टर वाला पॉइंट है, मतलब जो हमें मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110 करना है, वो भी कब करना है, जब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में से डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट मिलता है उसमें से करना है ये, तो ये लास्ट में आएगा वैसे भी। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट नंबर 1। कोई भी एडजस्टमेंट किसी के साथ अभी जुड़ा हुआ नहीं है, वो हमने चेक कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन एट 5% ऑन कैपिटल, पहले हम लोग देखते हैं कैपिटल कितना दिया हुआ है। जस्ट का दिया है 50,000, यस और यस का दिया है 50,000, जस्ट का दिया है 40,000। लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेट अस सी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा क्रेडिट साइड पे, यस का 50,000, जस्ट का 40,000। उसके नीचे मैंने उसका दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 2500 एंड 2000। दूसरी रिस्पेक्टिव एंट्री मैंने पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर। एज यू कैन सी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यस 2500, जस्ट 2000, आउट ऑफ कॉलम में 4500। ड्राइंग्स पे मुझे पे इंटरेस्ट करना है 10%, लेकिन 6 महीने के लिए। लेट अस सी ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है, यस का दिया 8000, जस्ट का दिया 4000। ड्राइंग्स लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर, टू ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू ड्राइंग्स 8000, 4000 रिस्पेक्टिव। उसके नीचे उसका इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट, लेकिन 6 महीने का, तो 8000 पे 10% इज 800, 6 महीने का ₹400, 4000 पे 10% इज 400, 6 महीने का ₹200, 400-200 लिख दिया मैंने डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके रिस्पेक्टिव एंट्री मैंने पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर, फर्म के लिए इनकम और पार्टनर्स के लिए वन टाइप का एक्सपेंस। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 भाई मार्केट वैल्यू ऑफ 12,000, क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस करना है बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू, तो यहाँ 12,000 कम है वैल्यू इसमें, ठीक है, तो लिख देंगे ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। और सेकेंड इफेक्ट पास कर देंगे हम लोग यहाँ पे एसेट्स में। एज यू कैन सी क्लोजिंग स्टॉक
देख के रखा हुआ है आपको बैलेंस शीट में, एसेट्स में, करंट एसेट्स में दिया हुआ ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 12,000। ओके, आपको हेडिंग लिखना नहीं होता, इन्होंने लिखा है, हमने लिखेंगे। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस आपको दिया है 500, स्टेशनरी यहाँ पे देख लेते कितना दिया है 800, आउटस्टैंडिंग है 500, स्टेशनरी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू स्टेशनरी 800 प्लस आउटस्टैंडिंग 500, आउटो कॉलम में 1300, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी की दूसरी इफेक्ट पास कर देंगे हम लोग लायबिलिटी साइड पे, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस 500। नेक्स्ट प्रीपेड वेजेस 400, पहले से पे कर दिया आपने 400 रुपये वेजेस, वेजेस लिखते हैं ट्रेडिंग में डेबिट साइड, वेजेस देखते हैं कितना दिया हुआ है, ये रहा 2000, प्रीपेड माइनस होगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा मैंने वेजेस माइनस प्रीपेड 400, आउटो कॉलम में 1600, प्रीपेड की सेकेंड इफेक्ट पास कर दी बैलेंस शीट में एसेट्स में, प्रीपेड वेजेस 400। डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट आप साथ में चेक करते हुए चलिए। ओके, आपको तो अच्छे से पता है कैसे आप चेक क्या भी करना है। नंबर 5 रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 200, रेंट देखते कितना मिला है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में देखे रखा है, रेंट रिसीव्ड 600, एडवांस मिला मतलब प्री रिसीव माइनस करना है, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड पे लिखा बाय रेंट रिसीव्ड 600 माइनस प्री रिसीव रेंट 200 या रिसीव्ड एडवांस जो भी लिखो चलेगा, आउटो कॉलम में 400, प्री रिसीव पहले से मिल चुके हैं वापस करना पड़ेगा, मतलब वन टाइप की लायबिलिटीज, लेट अस सी इन द लायबिलिटी साइड, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200। उसके बाद आपको देखे रखा है डिस्काउंट रिसीवेबल 40, डिस्काउंट मिलना बाकी, यहाँ पे दिया हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड पर ट्रायल बैलेंस में 400, 40 रुपये मिलना बाकी, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 400 प्लस रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग से बेटर आप वर्ड यूज़ करें रिसीवेबल 40, आउट ऑफ कॉलम है 440, मिलना बाकी है मतलब मेरे लिए वन टाइप का एसेट्स, लेट अस सी एसेट्स में रिसीवेबल डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीवेबल 40 रुपीज़। नेक्स्ट फ्रॉम डेटर्स राइट ऑफ रुपीज 1000 एज बैड डेब्ट्स, वॉइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, डेटर्स देख लेते हैं यहाँ पे कस्टमर्स के नाम से दिया हुआ है डेटर्स डेबिट साइड के ट्रायल बैलेंस में 29,000, डेटर्स लिखेंगे एसेट्स में, पहले इफेक्ट पास कर देंगे एसेट्स में, कस्टमर्स 29,000 माइनस बैड डेब्ट्स न्यू 1000, रिमेनिंग अमाउंट 28,000 माइनस बी डी आर न्यू 5% 1400, रिमेनिंग अमाउंट 26,600, इसमें से डिस्काउंट रिजर्व 2% माइनस करना है न्यू 532, रिमेनिंग अमाउंट आउटो कॉलम में 26,068 रुपीज़, सेकेंड इफेक्ट पास कर देनी है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ओन नो का टेबल बनाते हैं, देखो बैड डेब्ट्स ओल्ड आपको मिला होगा ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया है 400 प्लस बैड डेब्ट्स न्यू जो भी लिखा हमने 1000 प्लस बी डी आर न्यू 1400 जो भी हमको मिला है माइनस बी डी आर ओल्ड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर आपको देखे रखा हुआ है 2000, रिमेनिंग अमाउंट ऑटो कॉलम में 800, सेम डिस्काउंट का भी आप कर सकते हो, डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट ओल्ड आपको देखे रखा है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे 1400, डिस्काउंट न्यू दिया नहीं है तो आप डैश लिख दो, ओनो का टेबल डिस्काउंट के लिए भी आप बना सकते हो, डिस्काउंट ओल्ड मतलब डिस्काउंट अलाउड 1400 प्लस डिस्काउंट न्यू डैश प्लस डिस्काउंट रिजर्व न्यू 532 जो अभी आया है माइनस डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड जो दिया हुआ नहीं है, डिस्काउंट रिजर्व रिसीव नहीं, डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड जो दिया हुआ नहीं है तो डैश प्लस क्या बाहर लिख दोगे 1932। आगे प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार, मोटर कार 52,000 देके रखा है, मोटर कार आपको लिख देना है पहले एसेट साइड पर, मोटर कार 52,000 एसेट्स में दिख गया, डेप्रिसिएशन माइनस किया मैंने 10% अमाउंट बाहर लिख दिया मैंने 46,800, डेप्रिसिएशन की सेकेंड इफेक्ट मैंने पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 5200। गुड्स वर्थ रुपीज 2000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया 80% के लिए, इसकी जर्नल एंट्री आपको शायद अभी भी याद होगी ही। ओके, मतलब एंट्री ऐसे आएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1600, ओके सॉरी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 400, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1600 टू परचेस अकाउंट 2000, अगेन एंट्री बता रहा हूँ,
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1600, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 400, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1600, टू परचेस 2000, मतलब परचेस में से मुझे 2000 माइनस करने पड़ेंगे। लेट अस सी परचेस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 130,800 आपको परचेस देके रखा हुआ है, वो लिख देंगे ट्रेडिंग के डेबिट साइड, परचेस 130,800, उसमें से माइनस कर दूंगा डिस्ट्रॉयड बाय फायर 2000, आपको कुछ एंट्री नीचे मिलेगी। हम तो एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करते हैं, माइनस गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 2000, इनमें माइनस करके लिख देना है 128,800, क्लेम पास हुआ है 1600 का, तो क्लेम की एंट्री आपको दिख रही होगी एसेट्स में, इंश्योरेंस क्लेम लास्ट में देखो 1600, 400 का लॉस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू लॉस ऑन गुड्स बाय फायर 400। आई होप्स आई एम वेरी मच क्लियर। 2000 रुपये माइनस किया मैंने परचेस में से, 1600 का क्लेम पास हुआ है वो लिख दिया मैंने अपने एसेट साइड पे, और 400 का लॉस हुआ है वो लिख दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। 10% कमीशन इज पेएबल टू जस्ट फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट, ये सबसे लास्ट में बाद में पास करते हैं। लेट अस ट्रांसफ़र कर लेते हैं फटाफट। ड्राइंग्स ऑलरेडी हो चुका है पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, स्टॉक 1416 यह आपका ओपनिंग स्टॉक है, यह आपको ट्रेडिंग में सबसे ऊपर ही इट शुड बी मैंशन टू ओपनिंग स्टॉक, इट शुड कम वेरी फर्स्ट एंट्री मस्ट बी द ओपनिंग स्टॉक, सो यू शुड लीव द स्पेस एंड देन यू शुड राइट अदर एंट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक, देन इट मस्ट बी परचेज ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, इट मस्ट बी ऑलवेज सेल्स देन रिमेनिंग एंट्रीज। ओके, सो फ्यू थिंग्स यू शुड फॉलो इट कंपल्सरली। ठीक है, आप ये मत बोलना सर भूल गया अब क्या करूँ, तो बेटा भूल गया तो मार्क्स देने भी बोर्ड वाले भूल जाएंगे तो अब क्या करूँ, सो इट्स बेटर भी जो बोला जाता है, प्लीज़ बी केयरफुल विद दैट। और आपको उसी तरीके से आपको एंट्री पास करनी है, मतलब करनी है, देयर शुड बी नो इफ्स एंड बट्स देन। ओके, कर लिया है तो आपकी वो गलती है, उसको आप रेक्टिफाई करें सर, वापस से सॉल्व करें देन। बहुत सिंपल सा तरीका है, ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर ही दिखना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए, उसके बाद परचेस ही दिखना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए। ओके, आई होप सो आई एम वेरी मच क्लियर विद माई पॉइंट्स। सो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग के डेबिट साइड सबसे ऊपर, कस्टमर्स मतलब डेटर्स हो चुका है, परचेस लिख दिया ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, उसके बाद वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, बिल रिसीवेबल एसेट्स में, 6% इन्वेस्टमेंट्स डेट दे के रखा है, इन्वेस्टमेंट लिख देंगे हम एसेट्स में, इस पे करना है 6% मतलब कि 600 रुपये। आप क्रेडिट साइड में देख सकते हो आपको दिया हुआ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 300 रुपये, हिसाब में आया 600 रुपये, मुझे ऑलरेडी 300 रुपये मिल चुके हैं, तो पहले मैं एंट्री पास करता हूँ अपनी एसेट्स में। देख लो भाई इन्वेस्टमेंट्स आपको देखे रखा हुआ है, 10,000 मिला मोटर का के डेप्रिसिएशन के नीचे दिया हुआ है, 6% इन्वेस्टमेंट 10,000, इस पर इंटरेस्ट कितना आया 600 रुपये, 300 मिल चुका, 300 बाकी, 300 इंटरेस्ट मिलना बाकी। देखो आपको नीचे सेकेंड लास्ट एंट्री आपको एसेट्स में मिलेगी, रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 रुपये, आप इसको प्लस करके भी लिख सकते हो, इस तरीके से आप अलग भी लिख सकते हो। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे देख लीजिए, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको 300 रुपये दे के रखे थे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में, प्लस रिसीवेबल 300 रुपये, आउट ऑफ कॉलम में 600 रुपये का हिसाब यहाँ पे आ गया। सैलरी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, कैश बैलेंस एसेट साइड, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, गुड्स रिटर्न्ड डेबिट में है मतलब सेल्स रिटर्न, तो पहले आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दो का सेल्स, सेल्स आपको दिया 2,04,000 बाय सेल्स माइन से माइनस कर दिया सेल्स रिटर्न 2,400, रिमेनिंग अमाउंट आपने आउटर कॉलम में लिख दिया। बैड डेब्ट्स ओनर के टेबल में आ चुका है, स्टेशनरी एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस डेबिट में, अगर आ चुका है तो वापस से मत लिखना, आप टिक मार्क करते हुए ही चलना कि ये चीज़ आप ऑलरेडी लिख चुके हो, जब आप एडजस्टमेंट सॉल्व आप करते हो उस टाइम पे आप उसको टिक मार्क करते हुए आगे बढ़ना, तो आपके लिए भी इजी होगा ये। ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, मोटर कार एसेट्स में कर चुके हैं, बिल्डिंग एसेट साइड, प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस सीधा एसेट्स में, क्रेडिट पे देखे तो कैपिटल ट्रांसफ़र कर चुके हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में, सेल्स कर चुके हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, बिल्स पेएबल लायबिलिटीज में, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में, गुड्स रिटर्न अब माइनस करना है मुझे परचेस में से, ठीक है माइनस कर देना है परचेस में से, परचेस में लिख के अभी भी आपको उसको इनर कॉलम में लिखना है। उसके बाद रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में कर चुके होंगे,
डिस्काउंट रेशियो प्रॉफिट लॉस स्टडी में कर चुके हैं। बैड डेट रिजर्व ओनर के टेबल में आ चुका है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसको आपको माइनस करना है परचेस में से, देख लीजिए गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो थोड़ा सा ध्यान रख के करिएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस सीधा लिख देना है आपको लायबिलिटीज में। ट्रेडिंग को मैंने क्लोज किया, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो आई गॉट ग्रॉस प्रॉफिट, लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट 62740, ब्रैकेट में ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर कर दिया उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के 62740, प्लस क्या क्रेडिट ज़्यादा आया डेबिट साइड कम आया, डेबिट साइड जो भी डिफरेंस अमाउंट आया उसके लिए लिखा मैंने यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट 40248, ब्रैकेट में ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर कर दिया उसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 40248। अब ध्यान से सुन लेना, जस्ट को कमीशन देना बाकी है। पहले मैंने 40248 के अंदर 600 प्लस किया तो अमाउंट आ गया 40848, उसमें से मैंने अभी 4500 लेस किए, ध्यान से सुन लेना 4500 लेस किया, रिमेनिंग अमाउंट आया मेरा 36348, रिमेनिंग अमाउंट आया मेरा यहाँ पे 36348, रिमेनिंग अमाउंट आया मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, आपको नीचे दिया हुआ कैलकुलेशन, आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन दिया हो तो नीचे परसेंटेज 100 में प्लस कर देना, 100 में प्लस कर देना है, तो आपकी रिमेनिंग अमाउंट कैसे आई 40848 में से आपने 4500 लेस किया तो रिमेनिंग अमाउंट आया 36348 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110 करोगे तो आपका आंसर आया 3304.36, पॉइंट के बाद का नंबर भूल जाओ 3304 आ गया। जैसे आपका 3304 आया अब उसकी एक एंट्री पास करनी है तो आपने अप्रूवल में डेबिट साइड में पास कर दी टू जस्ट कमीशन 3304, दूसरी एंट्री पास कर दी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे बाय कमीशन जस्ट में 3304, फर्म के लिए एक्सपेंस पार्टनर्स के लिए इनकम। ये करने के बाद वापस से आपको 40848 में से 4500 माइनस करना है, 3304 भी माइनस करना है तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 33044। रेशियो दिया हुआ सब में नहीं है तो इक्वली बांट दिया, लिख दिया मैंने डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों में डिवाइड यहाँ पे कर दिया मैंने, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे कर दिया इक्वल रेशियोज के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर देने के बाद इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर देने के बाद उसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में, एज आपको दिखता है पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में मैंने उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र यहाँ पे कर दिया। ट्रांसफ़र कर देने के बाद मैंने इंडिविजुअली क्लोज किया, पहले क्लोज किया जस्ट को मैंने यहाँ पे जस्ट को क्लोज करने के बाद यस को सॉरी पहले यस को क्लोज किया मैंने, यस को क्लोज करते ही यस का टोटल आया 69022, इसमें से डेबिट के फिगर्स को मैंने माइनस किया, डेबिट के फिगर्स माइनस करने के बाद रिमेनिंग बचा 60622, लिख दिया मैंने टू बैलेंस कैरिड डाउन, लिख दिया मैंने बैलेंस कैरिड डाउन। सेम वे जस्ट को क्लोज किया, टोटल आया 61826, डेबिट के फिगर को मैंने माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट आया 57626, ये जो भी बैलेंस आया ट्रांसफ़र कर दिया मैंने उसको लायबिलिटीज में, ट्रांसफ़र कर दिया उसको लायबिलिटीज में एज अ कैपिटल, ट्रांसफ़र कर दिया उसको मैंने लायबिलिटीज में बाय वे ऑफ कैपिटल, ओके फिर मैंने क्लोज कर दिया एंड माय सम गॉट टैलीड। देख लीजिए आप आराम से, मैं अब एडजस्टमेंट के फिगर्स चेंज यहाँ पे करवा देता हूँ। कम ऑन चेंज द नंबर्स इन द एडजस्टमेंट्स, फर्स्ट इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल एंड 10% ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स, चेंज इट, जहाँ 5% है मेक इट 8%, जहाँ पे 10% है मेक इट 12%। नंबर टू क्लोजिंग स्टॉक 15,000 एंड हैविंग मार्केट वैल्यू 12,000, चेंज करें क्लोजिंग स्टॉक 25,000 हैविंग मार्केट वैल्यू 30,000
नंबर थर्ड, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस 500, चेंज करें, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस 700. नंबर फोर, प्रीपेड वेजेस 400, चेंज, प्रीपेड वेजेस 300. नंबर फाइव, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200 एंड डिस्काउंट रिसीवेबल 40, चेंज, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 100, डिस्काउंट रिसीवेबल रुपीज 50. नंबर सिक्स, फ्रॉम डेटर्स राइट ऑफ रुपीज 1000 एज बैड डेब्ट्स, प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, चेंज, फ्रॉम डेटर्स राइट ऑफ रुपीज 2000 एज बैड डेब्ट्स, प्रोवाइड 6% बैड डेब्ट रिजर्व एंड 2% एंड 3% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स. नंबर सेवन, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, चेंज, प्रोवाइड 15% डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार. नंबर एट, गुड्स वर्थ रुपीज 2000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ 80%, चेंज, गुड्स वर्थ रुपीज 3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 70%. नाइन, 10% कमीशन इज पेएबल टू जस फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट, चेंज, 20% कमीशन इज पेएबल टू जस फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट. चेंज करने के बाद सॉल्यूशंस करके आपको चेंज वाला भी और अनचेंज वाला भी दोनों मुझे आपको सेंड अप पे कर देना है. ऑन डेली बेसिस आपको ये सारे सम्स 2 से 3 बार आपको सॉल्व पे करने हैं, चेंज वाले भी विदाउट चेंज वाले भी. आज आता हो फिर भी प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स. एक भी एडजस्टमेंट्स ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ. तो आई होप सो, आई एम वेरी मच क्लियर. आपको बार बार बता रहा हूँ, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स अगेन एंड अगेन. तो आपको एक प्रैक्टिस रह जाएगी एडजस्टमेंट्स कौन सी कहाँ पे कैसे पास करनी है और क्यों पास करनी है. बेटर भी आप आराम से सुन लीजिए उसको, वीडियो को जितनी बार चाहे उतनी बार आप सुन लीजिए और उसकी एंट्री पोस्ट करना सीख जाइए. एनी टाइम कोई भी आपको एंट्री पूछे तो यू मस्ट नो कि हर एक की एंट्री कहाँ पे और कैसे मुझे पोस्टिंग यहाँ पे करनी है. तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे है. तो प्लीज़ मेरे पास और कोई दूसरा सोर्सेस यहाँ पे नहीं है. फिजिकली आई एम नॉट एबल टू अपियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड कैन टीच यू दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस मेथड और हमें इस तरीके से यहाँ पे सम यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा. और इस तरीके से भी आई होप सो वी आर वेरी मच क्लियर विद द सम पार्ट. वीडियोस भी देख रहे हैं एडजस्टमेंट, मैं वीडियो में ही बता रहा हूँ आपको सॉल्व करके. इवन मैं आपको इस तरीके से भी सॉल्व यहाँ पे करवा रहा हूँ. तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाता होगा. और वीडियो है तो यू आर वेरी मच एबल टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. सो प्लीज़ आप उसको करते रहिए, सम्स को प्रैक्टिस करते रहिए, तो ही जाके आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स अकाउंटेंसी में और स्टैटिस्टिक्स में पॉसिबल यहाँ पे हो सकते हैं. जस्ट यू गॉट टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट. थैंक यू वंस अगेन फॉर योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट. Stay home, stay safe, and keep learning. Thanks again.